अयोध्या दौरे पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मकर संक्रांति के अवसर पर दोबारा अयोध्या जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा सांसद ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट कर जानकारी दी है, तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें। उन्होंने ये भी लिखा कि जब मैं पहली बार अयोध्या गया था उस वक्त की यादें ताजा हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये पोस्ट भी किया है, अयोध्या जाने का जिक्र उन्होंने किया है। मकर संक्रांति के मौके पर दोबारा अयोध्या जा रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा, ये बताते हुए नजर आए। रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे और सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि आज मकर संक्रांति के मौके पर दोबारा अयोध्या रामलला जी के दर्शन करने जा रहा हूं। उस समय पहले का भी उन्होंने जिक्र किया है जब वो गए थे अयोध्या। यहाँ तक जाने की बात है, किसी मंदिर में किसी निमंत्रण की प्रश्न नहीं उठता, बिना निमंत्रण के भी हम जाएंगे। और हमारा तो हरियाणा प्रदेश जो प्रदेश है कि हम तो सुबह जब उठते हैं किससे मिलते हैं तो राम राम करते हैं। हमारे तो ऐसी संस्कृति है कि मजदूर और किसान खेत के अंदर अपना हल जोतने का जब शुरुआत करता है भगवान का नाम लेके शुरुआत करता है, बोले लेके राम का नाम और ले भाई। अगर ट्रैक्टर पे गेयर लगाता है तो लेके राम का नाम और ले भाई। हमारे अंदर भगवान राम है। तो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मकर संक्रांति के मौके पर दोबारा अयोध्या जा रहा हूं। कुछ समय पहले 16 मई 2022 जब मैं पहली बार वहां गया था तो आज उसकी यादें ताजा हो गई। तो सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि वो अयोध्या पहुंचे, भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे। हालांकि इस दौरान बातचीत करते हुए नजर आए उन्होंने कहा कि इसके लिए मंदिर जाने के लिए किसी तरह के आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, मंदिर हर कोई जा सकता है। तो उन्होंने 16 मई 2022 को अयोध्या को लेकर उन्होंने जिक्र किया है कि इससे पहले भी मैं अयोध्या गया था। 2022 को दीपेंद्र हुड्डा अयोध्या गए थे, दोबारा अयोध्या पहुंचे, इसे लेकर उन्होंने जानकारी दी है। ये सोशल मीडिया पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, विशेष संवाददाता रवि काली रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, एक तरह से देखा जाए तो अयोध्या पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा, काफी कंट्रोवर्सी चल रही है कांग्रेस और राम मंदिर के आमंत्रण को लेकर, कई लोगों ने इसे नकार दिया है। अब दीपेंद्र हुड्डा यहां पर पहुंच रहे हैं, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मंदिर के लिए किसी तरह का आमंत्रण नहीं होता, मंदिर तो कोई भी जा सकता है, क्या कुछ मायने इसके निकाले जाए? बिल्कुल राजश्री, देखिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं और इससे पहले भी वो एक बार अयोध्या जा चुके हैं, विधायक धीरज शर्मा के साथ वो दर्शन करके पहले भी आ चुके हैं और दोबारा आज मकर संक्रांति के अवसर पर दोबारा राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा रामलला के दर्शन करने पहुंचे। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के तमाम लोगों को निमंत्रण भेजे जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से, कहीं ना कहीं वो निमंत्रण जो है अस्वीकार कर लिया गया था, अस्वीकार किया गया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा जरूर वहां पहुंचे हैं लेकिन जो निमंत्रण मिले थे उनकी अलावा उनकी यानी कि बिना निमंत्रण के वो यहां पहुंचे और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है किसी निमंत्रण की जरूरत जो है भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं होती, वो पहले भी आए हैं आज दोबारा आए हैं और यहाँ आकर उनकी जो यादें हैं वो कुछ समय जब पहले आए थे 16 मई 2022 को जब यहाँ आए थे तो वो यादें आज ताजा हो गई, तो इस प्रकार की बातें वो दीपेंद्र हुड्डा यहाँ करते हुए नजर आएंगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए और वाकई इस बयान के बाद रिएक्शन भी मिल सकते हैं तो इस पर भी नजर बनी रहेगी।